हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेस किचन। आ गया आपका दोस्त कुंज कनेरी एक स्वादिष्ट रेसिपी लेके। आज केकेस किचन में बनाने वाला है चाट की रेसिपी, मिक्स फ्रूट चाट की बेल बनाने वाला है। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले इस तरह के एक बर्तन में डालेंगे 2 कप मुरमुरा या चवाणु। उसके अंदर डालेंगे टोमेटो चॉप किए हुए, कैप्सिकम, अनियन और ग्रीन चिली, और थोड़े डालेंगे पीनट्स। फ्रूट में डालेंगे थोड़े चॉप किए हुए गावा, स्लाइस किए हुए ग्रीन ग्रेप्स और अनारदाना। साथ में डालेंगे ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक बड़ा चम्मच हरी वाली धनिया पुदीने की चटनी। साथ में डालेंगे मीठी चटनी, इमली और खजूर की है ये। एक बढ़िया चटकारे के लिए 1 टेबलस्पून डालेंगे नींबू का जूस। अभी चालू करते हैं थोड़ी हाथों की मेहनत, बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं भेल को। ये भेल में इस्तेमाल की हुई सारी चीज़ों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मीन चटनी और मीठी चटनी की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। मिक्स फ्रूट भेल को लाइक करिए, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारी भेल एकदम बढ़िया मिक्स हो गई है, एक दूसरे के साथ सभी पूरा फ्लेवर मिक्स हो गया है। चलिए करते हैं सर्व। देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। एकदम ईजी और हेल्दी है ये भेल। जी हाँ, इस तरह से भेल भी आप हेल्दी बना सकते हैं। ऊपर से डालेंगे चॉप धनिया और क्रिस्पी सेव, और गार्निश कर देंगे अनारदाना के साथ। देखिए झटपट ईजी मिक्स फ्रूट भेल बनकर रेडी है। आप लोग को रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एक बाउल आपके लिए और एक बाउल मेरे लिए, एंजॉय करिए मिक्स फ्रूट भेल। तो दोस्तों हमारी झटपट फ्रूट भेल बनकर रेडी है। आप लोग को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तीखी चटनी और मीठी चटनी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, आप चटनी के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए केकेस किचन को। आपका दोस्त कुंज नई नई स्वादिष्ट रेसिपी लेके आएगा केकेस किचन में। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।